ज्ञान वाहुबुधु शरणु हो गबेकु गुरु चरण दल्ली। गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु आत्म ज्ञानी शरणु हो गबेकु गुरु चरण दल्ली। गुरु निरगुणरु गुरु सगुणरु सगुण निर्गुणवु गुरु चरण दल्ली। गुरु ब्रह्मानंद गुरु आत्मानंद निजानंद पड़े चरण दल्ली। गुरु परम तत्व गुरु परम स्वतंत्र समाधि सुख हो। सुंदर सुना हमारे जगशिव के नाम लाते बाबा कामदेव जी का कोई अकेला दर्द नहीं है। भारत के 23 राज्यों में मेरा प्रवास है, घूमता हूँ और लगभग प्रत्येक राज्य में समर्पित रूप से काम करने वाले घर्षित परिवारों की यही हालत है। जितना कुछ इन्होंने आपसे शेयर किया बहुत कम किया है। मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ, अभी भी यहाँ आने से पहले एक रात्रि का प्रवास मैंने उस गौशाला में किया और उसके बाद यहाँ आया। अपनी आंखों के सामने देखा है मैंने कि इनकी गौशाला से बाहर आते हैं और बछड़े को रात्रि में उठा कर ले जाते थे, कुत्तों को लेकर के जाते थे क्योंकि बिजली नहीं थी। 170 गोवंस को नामानंद कामदेव जी और उनकी समर्पित धर्मपत्नी दोनों मिलाकर के संभालते हैं। ऐसी परिस्थिति में चल रही गौशालाओं को बिजली प्राप्त करने के लिए 9 साल का आंदोलन करना पड़ गया, यही नमूना काफी है सरकार की निष्क्रियता का। आज कुछ बोलने का काम नहीं है। और अभी हमारे माननीय भावदास जी ने जो सरकार के आंकड़े जो गिना गए, इन आंकड़ों पर अगर बोलना शुरू करो तो आज का सवाल का विषय ही बदल जाएगा। इसलिए मैंने कई वर्षों से सोच लिया है सरकार का पिटपाट नहीं करने का कोई काम नहीं है। ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि सरकार काय के प्रति कितनी निष्क्रिय है, चाहे सरकार किसी की हो। सरकार के नेतृत्व के नेता बदलते हैं, अधिकारी नहीं बदलते हैं। और कलम की ताकत नेता के हाथ में नहीं, अधिकारी के हाथ में। इस सच्चाई से मुक्त प्रत्येक राज्य के 100 वाहन ऐसे रख सकता हूं ज्यादा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपने गणशिंदों को कि अपनी गाय गौशाला और कृषि व्यवस्था को जल्दी से जल्दी स्वावलंबी करो। सरकार के भरोसे कुछ काम नहीं होता, आज तक नहीं हुआ और आने वाले दिनों में भी होने वाला नहीं है। हम सारे किसानों को और गोपालों को स्वावलंबी व्यवस्था में आना पड़ेगा और स्वयं के भरोसे आना पड़ेगा। कुछ एक नया विषय मैं जोड़ना चाहूंगा आज के इस संवाद में। जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों पर कामदेव जी ने कहा सदैव धरती गोपाल कोई जोड़ा ही नहीं। हमारी सरकारें चाहे तो पुराने दस्तावेजों को उठाकर देख सकती है और इसके प्रमाण भी है। जब तक भारत का जंगल गौ वंश के अधीन था तब तक भारत का जंगल आबाद था और जैसे ही जंगल से गौ वंश को निकाला गया जंगल बर्बाद हो गया। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण और उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि
ताकि आप भी उन लोगों के समझ बातों को रख सकें। और विशेषकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के लिए मैं ये कहता हूं कि आपके पास भले अपना काम है लेकिन आपके पास पॉलिटिकल पावर है। बस समझाने की जरूरत है। सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा? बरगद, पीपल। वृक्ष बहुत विशाल है और जो जितना विशाल होता है उसका भी उतना सूक्ष्म होता है। लगा उनसे झुकना, लेकिन उसके पेट में कोई ठीक
प्रयोग को मेरा निवेदन है कि यहाँ जितने भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, आप अपने जीवन में इस प्रयोग को करो और करने के बाद इसके परिणाम को आप सरकार के पास रखिए। आप सरकार की बंद आंखों की पट्टी खुलवाइए, उठो। अंग्रेज तो चले गए थे, उनको जंगल उजाड़ना था, इसलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया था। अब जंगल को आबाद करना है तो सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को कैंसिल करो और सारी जंगलों को जाकर के हवा दे कर दो, सारी जंगल आबाद हो जाए। इसी में एक और प्रयोग करने कि किसी भी वनस्पति को जब गाय खा लेती है तो गाय के चरने के बाद वह वनस्पति बहुत तेज गति से और कई शाखाओं के साथ बढ़ती है। ये मैंने अपनी क्रिया के क्रम में देखा, जब वहां मैं वृक्षारोपण करता हूं और गलती से कभी कोई गाय खुल जाती है, चली जाती है, बच्चे को खा लेती है, तो बचे इसका एक जो मूल कारण मुझे समझ में आया है पूरे भारत का प्रवास करते हुए यही कि हमारी दौरानी दूध कम मिल रही है और लोगों को दूध ज्यादा चाहिए, इसलिए गावरन का लोग लेकर के नहीं आते। मेरा जो पिछले 20 साल का गाय पर काम करते हुए जो अनुभव है उसको यदि मैं आधार मान करके और ऋषि चरक जैसे लोगों के द्वारा जो अनुसंधान हुए हैं उन सूत्रों को आधार लेकर, दोनों को आधार लेकर के मैं यदि आपसे बात करूं तो दूध पीना सबसे अज्ञानता का काम है। अज्ञानता समस्त लो नॉलेज वालों का काम है। दूध पीना, दूध पीना होशियारी नहीं है, इसलिए ज्यादा दूध के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहे, क्यों दूध पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऋषि चरक कहते हैं कि जो छाछ की मट, जो छाछ की छाछ की मट्ठा कहा है, क्योंकि ये इस सूत्र को घाघरी ने अनुवाद किया था, तो घाघरी का जो पूरा क्षेत्र है बनारस भोजपुर उस क्षेत्र में हुए, वहां पर छाछ को मट्ठा कहते हैं, तो उन्होंने मट्ठा शब्द यूज किया कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, सदै रोग जल जाए। जो भोर ही सूर्योदय से पहले ताप पी लेता है, कैसे जीरा नमक मिला करके, उसका क्या होता है, बल बुद्धि बढ़त है, यानी बल और बुद्धि दोनों बढ़ती है और सदै रोग जल जाए, सारा रोग चल जाता है, खत्म नष्ट हो जाता है। अब इस कलयुग में यदि आपको बल मिल जाए, बुद्धि मिल जाए और जीवन के सारे रोग जल के राख हो जाए, आपको क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आपको? हमारी गावरन गाय 1 लीटर दूध देती है, 1 लीटर दूध से कितना ताप बनता है, कम से कम 3 लीटर ताप बनता है। क्या आपके परिवार को 3 लीटर ताप बस नहीं होगा, आप जरा उत्तर दें। दूध के साथ ये उपमा नहीं जोड़ी गई कि बल बढ़त है, बुद्धि बढ़त है, सदा रोग जरिया है, ये दूध के साथ चरक में नहीं कहा है, ये कहा है चरक में ताप के लिए। तो हमारी गौरानी भले ही दूध कम दे, दूध मत पियो ना, दूध तो मात्र बच्चों के लिए है, बड़ों को नहीं पीना चाहिए और कभी भी आपका दूध नहीं पीना चाहिए। दूध तो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए तो ताप है, मट्ठा है, छाछ है, मजीगा है, मोर है, दही गोल है, लस्सी है, कितनी चीजें हैं हमारे देश में, एक एक प्रदेश की एक एक चीज है और सभी एक नहीं है। ताप का फॉर्मूला अलग है, मट्ठे का फॉर्मूला अलग है, मजगा का फॉर्मूला अलग है, दक्षिण भारत के मोर का फॉर्मूला अलग है, सभी अपने अपने भूगोल से
उत्तम औषधि है, इसलिए दूध का मुंह छोड़ दो और ताक का मुंह पाल लो। और फिर देखना एक परिवार के लिए एक गौरानी एक गौरन गाय भारी पड़ती है। एक लीटर सुबह दे दे, एक लीटर शाम में दे दे, घर में 5 से 6 लीटर ताक आ जाए, आप तो पियोगे पियोगे, पड़ोसी को भी पिला दोगे आप। तो गौरन को ले आइए, बिल्कुल उसमें नुकसान नहीं है। बस जो एक व्यवस्था गवियों की जो हमारे महर्षियों ने दी है उसके आधार पर चलो। एक गौरन गाय यदि घर में है तो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ नैसर्गिक खेती आराम से होता है, शहरी रूप में होता है, बिना केमिकल का होता है। आप अधिक से अधिक 3 साल तक गौरन गाय का गोबर गोमूत्र खेत में डालते रहो आप, उसके बाद उस खेत में कीड़े कभी नहीं लगते। मैं देखो इतने साल से खेती करता हूँ, कभी हमारे खेतों में कीड़े नहीं लगते। पास पड़ोस वाले में सब में कीड़े चट कर जाते हैं, हमारे खेत में आने की हिम्मत नहीं करते। कभी मुझे कोई कीटनाशक कीट खदेड़क बनाता हूँ लेकिन कभी काम में आता नहीं, क्योंकि फसलों में जरूरत पड़ती है। अधिक से अधिक सब्जियों में लगाने की जरूरत पड़ती है, बड़े फसलों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा गणित अगर आप जोड़ लोगे तो एक गौरन गाय कभी भी भारी नहीं पड़ती है, बहुत सरल है, सस्ता है, मात्र एक हिम्मत करने की जरूरत है। एक बार हिम्मत कर लो, हिम्मत करके अपने गृहस्थी का एक परिवार का हिस्सा मान के ले आओ, कभी भार नहीं पड़ता। कभी भूल चूक से खाना नहीं दिया बुरा नहीं मानती। हाँ, कभी बारिश आ गई धूप आ गई आप छांव में नहीं बांधोगे तब भी हमारी गौरानी बुरा नहीं मानती। और इसके जगह ये सुअर ब्रीड को अगर लेकर के आ गए, बिग ब्रीड काऊ को, सुअर से संकरित काऊ को लेकर के आ गए, तो 1 घंटा में उसको पसीने चढ़ छूट जाते, सांस खुल जाती है और दूध पी लिया तो कई बीमारी हो जाएगा, इसकी गारंटी भी है। एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्च 30 साल पहले का, इसके आधार पर अमेरिका ने अमेरिकन जर्सी को बैन किया हुआ है कि जो व्यक्ति 10 साल तक लगातार ब्लैक अमेरिकन जर्सी का दूध पी लेगा तो 80% संभावना है कैंसर हो जाएगा। और अभी लगभग कोरोना से कुछ दिन पहले राजस्थान के एक लेबोरेटरी ने जो है जर्सी के दूध को प्रमाणित किया कि लगातार 3 साल कोई अगर पी ले अगर जर्सी का दूध तब उसको डायबिटीज हो जाएगा, ये लगभग निश्चित होता है। तो ऐसी बीमारियों को पालना है तो ये सुअर ब्रीड को लेके आ जाओ। और निरोगी जीवन जीना है, परिवार को रोग मुक्त रखना है, तो जैसा कि हमारे गवशुद्धों ने आपको ये सारी चीजें रखी है उस आधार पर गौरन गाय को लेके आ जाओ, सुखी हो जाओगे, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूंजी है कि आपके बच्चे सभ्य बन जाए, ये देखो सबसे बड़ी पूंजी है, आने वाली पीढ़ियां आपकी सभ्य बन जाएगी। गौरानी का दूध पिया हुआ एक भी व्यक्ति इस देश में उग्रवादी बना हो ऐसा कोई उदाहरण निकाल के आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं हजारों ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जो बच्चे जर्सी का दूध पी करके क्रिमिनल बन गए। तो आने वाली पीढ़ियों को भी संभालना है तब भी ये गौरानी ही हित करे, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। और इसी के साथ इस संवाद को यहाँ पर मैं आज पूर्ण करता हूँ। यदि कुछ समय है लोगों के प्रश्न को ले सकते हैं तो प्रश्न आप कर सकते हैं। तब इसके ऊपर हमने शोध शुरू किया कि ये क्या है। कई बार बकरियां खा जाती है, गांव की बकरियां आती चलती चली जाती है, दोबारा आपका फसल बढ़ता नहीं, वही होता है। भैंस के चरने का भी देखा हमने, भैंस अगर चल गई तो फसल आगे बढ़ता ही, और गाय अगर चल ले तो तेजी से बढ़ता है, इसके पीछे रहस्य क्या है। तो इस रहस्य पर बहुत सारे परीक्षण हमने किए, उसमें से एक परीक्षण ने इसका उत्तर दे दिया कि गाय बकरी भैंस भेड़ में एक बड़ा अंतर है। और वो अंतर ये है कि गाय जो मुंह चलाती है चारा चरते समय, जब वो पागुक करते हुए चलाती है तब उसके मुख से ऑक्सीजन,
उसके सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, और जब सेल्स ऊपर का मृत हो जाता है तब उसकी बढ़त रुक जाती है, वो वहीं पर बौना होकर के रह जाता है। तो एक छोटा सा परीक्षण, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस परीक्षण को लिपिबद्ध कर दीजिए, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, किताब लिखने की फुर्सत नहीं होती। तो आप इस पर एक किताब लिख लीजिए, भले ही आप अपने नाम से लिख लीजिए और सरकार को दीजिए कि उस पर वो अपने वैज्ञानिकों को लगा करके इसके ऊपर री एक्सपेरिमेंट कर ले, और इसमें यदि फिर सच्चाई निकलती है तो ईमानदारी के साथ भारत के सारे जंगलों को गौवंश के घोषित के लिए खोल दो। पंचगव्य विज्ञान पर ये जो नौवां सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में गवसित भाई बहनों के साथ बहुत सारे नगर के सम्मानित नागरिक के बंधुगण भाई बहने सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मेलन करने का हम गवसितों का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि गाय के पास जो शक्ति है, गाय की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से इस ऊर्जा का ज्ञान आप तक पहुंचाना। गौ माता ने जितनी समझ हमें दी है, हमारे गौ सिद्धों को जितनी समझ दी है, और उस समझ के ऊपर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, मूल में गाय बचाने का जो स्वावलंबी तरीका है उस पर जो हम काम कर रहे हैं, इस विषय का संज्ञान आपको भी हो सके, आपकी भी समझ बन सके। और आज तक समाज ने, भारतीय समाज ने जिस गाय को दान और दया की वस्तु समझ रखा था, उससे हम सब ऊपर उठे और गाय को एक उपयोगी प्राणी के रूप में मानकर, उसे आत्मसात कर, और इसी सामाजिक व्यवस्था में एक सम्मानित स्थान प्रदान कर सके, इसी के लिए जो है पंचगव्य राज्य स्तरीय सम्मेलन भारत के 23 राज्यों में प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, और एक राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष अलग अलग राज्यों में भी करते हैं। इस वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन हम लोगों ने कर्नाटक राज्य में नियोजित किया है। कर्नाटक में बेंगलुरु एक स्थान है, वहाँ की राजधानी है। इसी बेंगलुरु में 3, 4 और 5 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर का 11वां पंचगव्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, आप सभी लोग आइए, और पूरे भारत के चुनिंदा गवसिद्धों का जमावड़ा होगा, और ये हमारे सदगर्षित अपने अपने पुरुषार्थ को लेकर के आते हैं। पूरे देश को, सरकार को, समाज को, वैज्ञानिक वर्ग को, उद्योगपति वर्ग को, कृषक वर्ग को, सभी को ये बताते हैं कि गाय क्या कर सकती है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी समृद्धि के लिए, हमारे बच्चों के ज्ञान के लिए कितना कुछ कर सकती है, इसका पूरा प्रायोगिक रूप स्वरूप वहाँ पर होता है। केवल भाषणवादी नहीं होता है, किताबों की बात नहीं होता है। और चिकित्सा को देखो, इसका एक खंड है, और इसमें क्या कुछ हो सकता है। अभी कुछ देर पहले आपने लगभग 10-12 गवसिद्ध भाई बहनों से, उनके मुख से ही आपने सुना कि क्या हो सकता है। आप देखो, ये जितने भी गवसिद्ध भाई बहनों ने अपनी बात रखी चिकित्सा की, इनमें से एक भी ऐसा कोई भाई बहन नहीं था, गवसिद्ध एक भी नहीं था जिसका बैकग्राउंड मेडिकल साइंस कर रहा हो। ये सभी नॉन मेडिकल साइंस वाले लोग थे। तो आप एक सहज अनुमान लगा लो कि एक नॉन मेडिकल साइंस वाला व्यक्ति 5 महीना 6 महीना या साल भर गाय के विज्ञान की समझ बनकर के इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्य कर सकता है, तो इस विषय को जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, अगर ये आत्मसात कर लें, अगर ये समझ लें, इस देश के 25 लाख डॉक्टर्स जो एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी
आदि विधाओं में कार्यरत हैं, अगर इनकी समझ बन जाए तो यह जो सपना है हम सभी गौ शिल्पों का, गौ मां से निरोगी भारत, अधिक से अधिक मैं समझता हूं 5 साल, 5 साल में पूरा का पूरा देश निरोगी हो सकता है और सरकार का 1,00,000,00,000 रुपया जो मेडिकल के ऊपर खर्च होता है पूरा का पूरा बच करके विकास के काम में लग सकता है। एक एक राज्यों का बजट देखो, हेल्थ बजट 20,000,00,000 25,000,00,000 का होता है और उतना ही लगभग लगभग केंद्र सरकारें उनको पैसा देती है और इतने पैसे से जो चीजें राज्यों में चलती है चिकित्सा के नाम पर, कितने लोगों को सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है आंकड़े उठा करके देखो। अधिक से अधिक किसी भी राज्य में 5% से ज्यादा लोगों को सरकारी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, 5%, 7%, अच्छे से अच्छे केरल में चले जाओ 10%, उससे ज्यादा जनसंख्या को इसका लाभ नहीं मिलता। 90% जनसंख्या आज भी निजी चिकित्सा पर विश्वास करती है और निजी चिकित्सालयों में जाकर के शरण लेती है। तो मात्र भारत की 5-6% जनसंख्या को चिकित्सा लाभ देने के लिए 1,00,000,00,000 रुपए का बजट सरकार आवंटित करती है। गाय की शरण में आने के बाद एक साथ यह पैसा बच सकता है और इतना सारा पैसा अगर बच जाए तो देश के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा विकास का काम हो सकता है। इसी विषयों को आप सभी तक, भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे हमारे राज्य स्तरीय पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन होता है। आप गाय को समझें, आप अपने पड़ोसी को समझाएं, आप अपने लोगों को समझाएं कि निरोगी जीवन जीना है यदि, बिना रोग के जीवन जीना है यदि, अगर जिंदगी की कमाई जो गाढ़ी कमाई है, जिंदगी की जो गाढ़ी कमाई है इसको अगर कहीं बचाना है आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो आप चिकित्सा के लिए गाय की शरण में जाओ, वनस्पति की शरण में जाओ और अपने घर का जो पारंपरिक रसोई घर है उसकी शरण में जाओ तो आप इससे बच जाएंगे और इससे बच गए तो कमाया हुआ धन आपका बच जाएगा। नहीं तो आजकल देखो कितनी कितनी बीमारियां जो फैली हुई है और उन बीमारियों में कितना पैसा खर्च होता है, मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि हमें तो चिकित्सालय की शरण बहुत कम न के बराबर लेनी पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को चिकित्सालय बार बार दौड़ना पड़ता है वे इस दर्द को ज़्यादा समझते हैं। तो इन विषयों को थोड़ा समझो, आप अपना जो पारंपरिक रसोई घर है इसको समझ लो कि मानसी बाघवट जी ने कैसा एक पारंपरिक रसोई घर दिया था और कैसे हम आधुनिकता के चक्कर में आकर के अपने सारे रसोई घर को बिगाड़ कर किचन में बदल दिए हैं, थोड़ा इसको सुधार कर लो। गाय को निष्क्रिय जीव मानकर जो घर से निकाल दिया हुआ है उसको फिर से जो है एक सजीवता के साथ एक प्राणी मान करके, अपने परिवार का सदस्य मान करके ले करके आ जाओ, आप देखो जीवन कैसा खुशहाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की समझ बन सके उसी के लिए ये सारा पूरे भारत में हमारा ये अभियान चलता है, लोगों की चिकित्सा करते हैं। और जो अभी नया नया तो नहीं कर सकते, सोच तो पुरानी है, लेकिन एक नए अभियान की शुरुआत हुई है कि भारत में अधिक से अधिक गुरुकुलों की स्थापना हो, ऐसी गुरुकुलों की स्थापना हो जहाँ पर आने वाली पीढ़ियों को पारंपरिक ज्ञान मिल सके। पारंपरिक ज्ञान जैसे ये पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान है, ये पारंपरिक ज्ञान है, ये कोई नया मेरे द्वारा अनुसंधान किया हुआ, विकास किया हुआ, खोजा हुआ नहीं है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस पर इतना कुछ काम किया, इतना कुछ काम किया कि आगे रिसर्च के लिए कोई विषय ही नहीं बचता है। हमने मात्र वही किया कि अंग्रेजों के कारण या मुगलों के कारण या हमारी काले जो अंग्रेजों की सरकार है इनके कारण जो ये पारंपरिक ज्ञान बिखर गया, खत्म हो जा रहा था, इसको हमने जितना संभव हो सका समेटने की कोशिश की है और समेटने के बाद इसको एक चिकित्सा थेरेपी के रूप में
ला करके खड़ा करने का काम किया है ताकि बचा कुचा ज्ञान जिंदा रहे और इस आधार पर हम अपनी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को, भोजन व्यवस्था को, ज्ञान व्यवस्था को, हमारे सामाजिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जितनी व्यवस्थाएं आती है इन सभी व्यवस्थाओं को फिर से जो है हम संजो करके खड़ा कर लें और अपने गृहस्थी को स्वावलंबी बना लें। यानी हमारा स्वावलंबी बनाना मतलब क्या, हमारे गृहस्थी में भोजन के लिए जितना जरूरी है हम खेतों में उगा लें, बाजार पर निर्भर ना रहें। हमारी गृहस्थी में स्वस्थ रहने के लिए जितनी औषधियों की जरूरत पड़ती है इन औषधियों को हम अपने रसोई घर में, हम अपने गौशाला में, हम अपने कृषिशाला में खुद इसको उगा करके और हम इस बजट को कम कर लें। ज्ञान के लिए बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में, CBSE स्कूलों में, स्टेट बोर्ड के स्कूलों में जो भेज करके बच्चों का चरित्र हनन करवा लेते हैं, कम से कम उससे अपने बच्चों को बचा करके गांव में छोटे छोटे गुरुकुलों की स्थापना कर लें। उन गुरुकुलों में जो संस्कारित ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उन ज्ञान को दे करके और उनका उज्ज्वल भविष्य हम देखें। देखो एक सर्वे करो आप अपने गांव में क्या करना है। आप अपने गांव के युवाओं की जनसंख्या गिन लो कि आपका गांव 500 घर का है, इस 500 घर में कितने युवा हैं, इसको गिन लो। तो एक उदाहरण के लिए कहता हूं, 1000 युवा आपके गांव में, 500 घर है और हर घर में 2 युवा हैं, तो 1000 युवा हैं। 1000 युवाओं ने स्कूल देखा, 1000 युवाओं ने कॉलेज देखा, 1000 युवाओं ने हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस देखे, लगभग 20 से 25 साल तक मेहनत की, पढ़ाई पढ़ा, परिवार का पैसा झोंका, उस 25 साल के मेहनत के बाद 1000 युवाओं में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, एक आंकड़ा निकाल लो। आप देखोगे 10% लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, 10% को भी नहीं मिला। सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है कि जितनी युवा जनसंख्या है सारे अगर ग्रेजुएट हो जाए तो सारे ग्रेजुएट को सरकार नौकरी दे देगी, सरकार के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो 1000 में मुश्किल से 25 लोगों को नौकरी मिली है, उससे ज्यादा को नहीं मिलता, यही आंकड़ा है। तो 25 लोगों को नौकरी पाने के लिए 1000 युवाओं ने श्रम किया, 25 साल मेहनत किया, 25 साल अपने जीवन का अमूल्य समय झोंका और अपने परिवार को पैसा खर्च किया और नौकरी कितने को मिली, 25 को। 25 की नौकरी से जो पैसा आया 1000 युवाओं द्वारा खर्च किए हुए पैसे से कम होगा, वो आप देखो। तो समग्र रूप से अगर देखो तो नौकरी के पीछे भागना जो होड़ है ये होड़ ही गलत है और ये होड़ ही नुकसान वाला है, इसमें मुनाफे का गणित आता नहीं। तो शेष लोग क्या करें, 1000 में 25 को सरकारी नौकरी मिली तो 975 कहां गए, ये आंकड़ा तो निकाल लो ना। तो आप देखोगे उसमें से सबसे ज्यादा लोग व्यवसाय में गए, निजी नौकरियों में गए और बहुत सारे व्यवसाय में गए। तो यदि 1000 में 975 लोगों को व्यवसाय भी करना है, नौकरी भी करना है, तो फिर हायर एजुकेशन किस काम का। तो अच्छा है कि बोधता आने के बाद, स्कूल समाप्ति होने के बाद उनको एक ऐसे प्रोफेशन में लगाया जाए जहां वो व्यवसाय सीखे, जहां वो निजी कंपनी में काम करना सीखे, वो ज्यादा बेहतर है। 15-16 साल की उम्र हो गया और बच्चों को आप देख लो, अगर ये नौकरी करने लायक है, सरकार अगर इसका सिलेक्शन कर सकती है तो आप हायर एजुकेशन में भेजो, और नहीं तो फिर गांव में छोटे छोटे रोजगार धंधे के जितने काम हैं उस काम में बचपन से बच्चों को लगा दो आप। ग्रेजुएशन के बाद वो जाएगा उससे ज्यादा निपुण होगा क्योंकि वो अभ्यासी हुआ है। अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। हम कभी भी गणित नहीं लगाते, बच्चा बड़ा हुआ स्कूल भेज दिया,
गार्जियन से पूछो क्या करेगा, मालूम नहीं चाहिए अभी पढ़ेगा। बच्चा से पूछो क्या करेगा पढ़ के, मालूम नहीं आगे पढ़ना है। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में गया, गार्जियन से पूछो बच्चा क्या करेगा, लगभग 99% से ज़्यादा गार्जियन कहें पता नहीं चाहिए अभी पढ़ने दो, अभी पढ़ने का समय है। बच्चे से पूछो, बच्चा भी बोलेगा अभी ग्रेजुएट करने दो फिर देखो। ग्रेजुएट हो गया उसके बाद वो जो हायर एजुकेशन में चला गया, 30 साल जिंदगी का निकल जाता है। ये गणित आपको कल बताया है कि कैसे 30 साल की पढ़ाई के बाद मात्र 15-20 साल आदमी नौकरी करता है। 15-20 साल नौकरी करने के लिए 30 साल की पढ़ाई, गणित लगा के देख लो, ये नफा का सौदा है नुकसान का सौदा है। इसलिए देखो मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ, खास करके जो खेतड़े लोग हैं, जो कृषि जगत वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से कहूँगा कि आज भले ही कृषि और गाय का क्षेत्र जो है नीरस क्षेत्र है, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही उज्जवल है। अपने बच्चों को इस क्षेत्र में लेकर के आ जाओ और थोड़ा अपने जो है आँख नाक खोल करके जो है कृषि व्यवस्था और गाय आधारित कृषि व्यवस्था को संभालो। इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने जो श्लोक कही है ना, उत्तम खेती मध्यम वान करे चाकरी कुकर निगाह, ये देखो गलत नहीं है। पूर्वजों का ये गणित कभी भी गलत नहीं हो सकता। उत्तम कृषि, कृषि उत्तम है, लेकिन कृषि को निष्क्रिय हमारी सरकारों ने बना रखा है, बना रखा है, जानबूझ करके बना रखा है, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र बर्बाद होना चाहिए, इसके लिए बना रखा है। अब थोड़ी थोड़ी सुधार की जो आशंका और संभावनाएं थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन माफियाओं का शिकंजा इतना 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 मजबूत है कि सरकारें चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है। मध्यम वान व्यापारी तो मध्यम दर्जे का ही आदमी होता है, उसको मध्यम नौकरी कुकर निदान, कुत्ते की जिंदगी जीना और नौकरी करना, हमारे पूर्वजों ने समानता मानी है कि ये दोनों समान है। दरवाजे पर कुत्ते की पहरेदारी कर लो या किसी बड़े से बड़े कंपनी में सीईओ की नौकरी कर लो, बात तो एक ही है। तो इनसे कम से कम बच्चों को बाहर निकालो, गाय के क्षेत्र में लेकर के आ जाओ, कृषि के क्षेत्र में लेकर के आ जाओ, और पूरी व्यवस्था को यदि आप रासायन मुक्त रखते हो तो कोई संशय नहीं है कि इसमें नुकसान हो जाएगा। देखो ये मैं किताब पढ़ के नहीं, मैं खुद खेती करता हूँ। 20 एकड़ की मेरी खुद की खेती है, 300 गैया है हमारे पास, दूध नहीं बेचता हूँ मैं, और जितना ज्ञान प्रकृति देती है उसको बांटता ही रहता हूँ मैं। उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब कृषि करते हुए मुझे नुकसान नहीं होता, गौ पालन करते हुए मुझे नुकसान नहीं होता, फिर आपको कैसे नुकसान हो जाएगा? नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कृषि और गाय में ही होता। एक धान का बीज यदि मिट्टी में चला जाए और जलवायु यदि उसके समान है तो 17,000 धान के बीज उत्पन्न होते हैं। कितना? 17,000। एक बीज 3 महीने में, 90 दिन में 17,000 मल्टीपल होता है। एक भी इंडस्ट्री बता दो आप जिसमें 1,00,000 की पूंजी लगा दो आप और 3 महीने में वो कई गुना हो जाए। एक भी बता दो इंडस्ट्री, अगर ईमानदारी से वो काम करे, बेईमानी ना करे, और उसका पूंजी 90 दिन में दोगुना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कृषि व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें से एक धान का बीज 90 दिन में 17,000 धान के बीज में बदलता है। आपके यहाँ जवारी होती है, एक जवारी का बीज कम से कम 2,000 जवारी के बीज में बदल जाता है 3-4 महीना में। एक नाचनी का बीज डाल दो आप, वो एक पौधा बनेगा और उसमें से कई हजार नाचनी के बीज बन जाते हैं। हमारी पूंजी क्या थी? एक बीज 3 महीना में क्या हुआ? कई हजार गुना बढ़ गया। इतना हजार गुना मल्टीप्लीकेशन दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, कृषि में होता है। लेकिन कृषि नुकसान का सौदा है अभी, वो इस कारण से क्योंकि हम पूरी कृषि व्यवस्था को रासायन पर खड़ा करके रखते हैं, और दूसरा पूरा का पूरा कृषि व्यवस्था को चौपट करने का काम हमारी सरकारों ने ठेका ले रखा है।
हमारी सरकारों ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ठेकेदार करके किसानों को खत्म करने का प्रयोजन बना रखा है। ये जानबूझकर किया हुआ है। यदि कृषि व्यवस्था को प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाए और बाजार के ऊपर, खुले बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो कभी भी कृषक को, खेतों को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कहीं भी नहीं होता। और ऐसा ही गाय में है। एक गाय 3 वर्ष में माँ बनती है और 4वें वर्ष में एक बछड़ा देती है या एक बछड़ी देती है, और एक गौरानी गाय अपने जीवन में कम से कम 17 से 18 बार मां बनती है। पूरा गणित लगा लो कि एक गौ वंश का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है। यदि हम अपने भारत देश में नंदियों को काम दे दें, नंदियों को काम दे दें, नंदी आधारित कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था और कई ऐसी व्यवस्थाओं को अगर हम खड़ा कर लें, तो एक गाय जो दूध नहीं देती है वो अपनी पूंजी से कई हजार गुना पूंजी का वो नंदी दे सकती है। आज देखो पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ा विषय किसानों का होता है नंदी, कि नंदी भार हो जाता है, नंदी सबसे मुश्किल हो जाता है। मेरे पास 40 जोड़ी नंदी है, कभी भार नहीं बनता, कभी भार नहीं है बनता। अगर आप थोड़ी अपनी इंद्रियों को खोल कर काम करो तो आज देखो दुनिया में, विशेषकर मैं गर्भशुद्धों के लिए कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संकट मनुष्य सभ्यता और जाति के लिए क्या है, बता सकते हो? सबसे बड़ा संकट क्या है मनुष्य सभ्यता के लिए? कौन सी ऐसी बीमारी है जो पूरी की पूरी मनुष्य सभ्यता को कल निगल जाए? नपुंसकता। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री का एक वेबसाइट है lic.in, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, उस पर वेबसाइट पे जाओ, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टल मिल जाए, और हेल्थ मिनिस्ट्री के पोर्टल पे आपको भारत की हेल्थ व्यवस्था की हूबहू नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 60% जो स्थिति है उसका आंकड़ा वहां पर मिल जाएगा। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा संकट अनफर्टिलिटी का है हमारे देश में। सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि भारत की 30% बेटियां जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, 1-2 साल में वो विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, विवाह से पहले ही बांध हो चुकी है। मेरे आंकड़े नहीं, आप सरकार की वेबसाइट पर आंकड़े देखो, और उसी में आपको मिलेगा कि भारत के 25% से ज्यादा युवा जो 1-2 साल में वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं, उनकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि वो विवाह से पहले नपुंसक हो गए। एक कल्पना करो कि एक बेटी जो विवाह से पहले बांझ हो गई है, यदि किसी फर्टाइल युवा से शादी हो गई, बच्चे होंगे क्या? एक हमारी बेटी जो विवाह से पहले बांझ हो चुकी है, एक अच्छे युवा से शादी हो गई जो बाप बनने की ताकत रखता है, संतान होगा क्या? संतान दोनों के शरीर की फर्टिलिटी ठीक होने से होती है। तो 25% बेटे नपुंसक हैं आज भारत में, 30% बेटियां बांझ है आज शादी से पहले। गणित लगा लो मिला करके, भारत की आधी जनसंख्या बांझ हो गई है। भारत के आधे युवाओं के पास बच्चे पहले पैदा करने की ताकत नहीं है। इतना बड़ा अनफर्टिलिटी का संकट है आज हमारे देश में, और हमारे देश में पूरी दुनिया में। हमारे देश में गंभीर विषय इसलिए है कि पृथ्वी के मानचित्र पर भारत एक ऐसा देश था जिसको दुनिया का सबसे फर्टाइल कंट्री माना जाता था। हमारे यहाँ की माताएं अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके भी स्वस्थ रहती थी। मैं स्वयं अपनी माँ का 8वां संतान हूं, और मेरी माँ ने 80 वर्ष की उम्र में सहज रूप से शरीर को छोड़ा। ये भारत की स्थिति थी, और आज भारत की कैसी स्थिति है अभी आपके सामने रखा।
तो सबसे बड़ा जो संकट है वो नपुंसकता और बांझपन का संकट है, और इस संकट से निकलने का कोई भी रास्ता किसी भी थेरेपी के पास नहीं है। आप एलोपैथी में चले जाओ, वो कृत्रिम गर्भधारण की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब की बात करेंगे, एक नारियल के गड्ढे बना नहीं सकते, आपको आर्टिफिशियल बेटा बना कर देंगे। तरस आती है इनकी बुद्धि, अब लगभग लगभग सभी थेरेपियों की यही स्थिति है, और यह स्थिति अगर नहीं होती तो भारत सरकार के सर्वे में ही आंकड़े नहीं आते। इस संकट से सहज रूप से निकल सकते हो, जिस नंदी को निष्क्रिय मानते हो, इस नंदी का कुछ नहीं हो सकता, हमारी घर में गाय होती है और नंदी अगर हो गया ना मेल बछड़ा तो सबको घर में रोना आता है कि बड़ा हो जाएगा इसको पालेगा कौन, है ना वस्तु स्थिति। थोड़ा समय रुको, थोड़ा समय रुको, हाँ थोड़ा और इस पंच के विज्ञान को प्रचारित होने दो, फिर आप देखना नंदी ढूंढते नहीं मिलेगा। नंदी के मूत्र में सबसे ज्यादा धातु होता है, ये हमने अपने लैब में परीक्षण करके देखी हुई बात है, सबसे ज्यादा धातु होता है। और पुरुष का शरीर हो या महिला का शरीर हो, पुरुष के शरीर में शुक्र का निर्माण और नारी के शरीर में आर्तव का निर्माण धातुओं से ही होता है, और जब धातु की छिन्नता होती है पुरुष शरीर में तो पुरुष का शुक्र खत्म हो जाता है, और नारियों के शरीर में जब धातु की कमी होती है तब उसके शरीर से आर्तव गायब हो जाता है, आर्तव यानी जिससे अंडा बनता है। और यही कारण है कि आज भारत की आधी जनसंख्या अनफर्टाइल है, क्योंकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था और भोजन व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हम भारतवासियों के शरीर में अब धातु है ही नहीं। तो कल इस विषय पर दुनिया जागे, उससे पहले आप गर्भसिद्ध जागे हुए हो कि नंदी के मूत्र में सबसे ज्यादा धातु होता है, और कोई एक धातु नहीं बल्कि सप्त धातु होते हैं, और इन्हीं सप्त धातुओं से पुरुष के शरीर में शुक्र बनता है, और इन्हीं सप्त धातुओं से नारी के शरीर में आर्तव बनता है। और इसीलिए किसी गर्भसिद्ध के पास जब नपुंसकता का केस आता है तो लगभग 99.9% केसेज को हमारे गर्भसिद्धों ने सफल किया है, 0.1% कम हमने इसलिए किया है कि गर्भसिद्धों के द्वारा दी गई भोजन व्यवस्था को जो लोग नहीं मानते उनके केस सक्सेस नहीं होते, लेकिन जिन लोगों ने मान लिया अपनी भोजन व्यवस्था को और असर औसत को समय पर ले लिया उनके सारे केसेस सफल हो जाते हैं। आपके महाराष्ट्र में मैं समझता हूं 10,000 से ज्यादा ऐसे केसेस के रिकॉर्ड्स सरकार अगर मांगे तो हम देने को तैयार हैं, 10,000 से ज्यादा। जिन पुरुषों और युवाओं के शरीर का शुक्र शून्य था, जीरो काउंटिंग था, जीरो स्पर्म काउंटिंग था, उसको भी नंदी के मूत्र ने तोड़ दिया और तोड़कर आगे बढ़ा दिया। जिन बेटियों को 2-2 साल से मासिक धर्म नहीं आया था, 3 से 4 महीने तक पंचगव्य के सेवन के बाद से उनकी मासिक धर्म की समस्या ठीक हो जाती है और वो भी मां बनने लायक हो जाती है। तो देखो आज जो भारत में सबसे बड़ा जो संकट है अनफर्टिलिटी का संकट, उससे निकालने के निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है नंदी का मूत्र। तो आप बताओ नंदी बचेगा नहीं, तो हम भारत के लोग बचेंगे क्या? टेस्ट ट्यूब बीबी में किसका शुक्र किसमें डालू देखा है, केवल डॉक्टर को पता है, उस माँ बाप को पता नहीं होता जिन लोगों ने ये प्लानिंग करते, IVF की जो प्लानिंग करते हैं। आज हर मोड़ पर अस्पताल खुले हुए हैं कृत्रिम गर्भधारण वाले, हैं आप देखने जाते हो कि किसका शुक्र किसमें डालते हैं। तो अपनी पूरी
पूरी वंशावली को, हमारी पूरी वंशावली को नष्ट करने का पूरा प्रकरण है। इससे बाहर निकलना है, अपने वंश को बचाना है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आए हुए शुक्र को यदि बचा करके रखना है तो हमारे और आपके पास नंदी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंदियों को बचा लो तो जो राष्ट्रस्य निरहन्ति न वीरो जायते वशा। हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे गांव में यदि नंदी नहीं बचा, वृषा अर्थात नंदी अगर नहीं बचा तो कोई भी पुरुषार्थी बच्चा पैदा नहीं ले सकता। ये अथर्ववेद कहते हैं। और ये भूमि महाराष्ट्र की जो पुण्य भूमि है, ये तो देखो वीरों की भूमि रही है। इसने केवल महाराष्ट्र को नहीं पूरे राष्ट्र को बचाया। थोड़ा इतिहास टटोल के मैं भी देखता हूं कभी कभी, तो छत्रपति महाराज जी ने मुगलों को तमिलनाडु के सेंजी तक खदेड़ा था और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा तक खदेड़ दिया था और उत्तर में पंजाब तक खदेड़ा था। आज आपके महाराष्ट्र की सीमा कहां है? तो अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके जो पुरुषार्थ छत्रपति जी ने दिखाया उसमें किसका बल था? किसका बल था? आपके इसी खिल्लार का बल। जिस खिल्लार को अभी तक मैं उतना मराठी तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितना समझा उसमें मैं यही समझा कि जो बिना काम की गाय है उसके रक्षण करने वाले ये लोग। मैं कहता हूं कौन सा ऐसा गौ वंश है जो बिना काम का है, बता दो। आप भले उस गौ वंश के गवियों का बाजार नहीं दे पा रहे हो, इसमें हमारी निष्क्रियता है। गौवंश क्या करे? क्या गौवंश अपने पेट में रुपया डॉलर छाप करके सीधे गोबर में निकाल देंगे कि वो माध्यम नहीं देंगे? इस देश का कोई भी प्रजाति का गौवंश और किसी भी आयु का गौवंश बेकार नहीं है, क्योंकि गाय मृत्यु पर्यंत तक गोबर और गोमूत्र देते हैं और मृत्यु पर्यंत तक दिया हुआ गोबर और गोमूत्र का औषधीय गुण वही होता है जो एक युवा गौवंश का होता है। तो गौवंश बेकार नहीं, बिना काम का नहीं। हम बिना काम के लोग हैं जो गोबर और गोमूत्र की गुणवत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं और उसको नली और नाले में बहा दे रहे हैं। इसमें कमी हमारी है गोवंश की, बताओ। आज कई हजार लीटर, कई लाख लीटर गोमूत्र गटर में जा रहा है, इसमें गोवंश का दोष है क्या? हमारा दोष है कि हमने उन मूल्यों को नहीं समझा और समझ करके उसको एक अच्छा बाजार नहीं दिया। एक सामान्य गणित आपके सामने रखूंगा और फिर कुछ चिकित्सा वाली बात करके आज इसको पूरा करूंगा। यहां पर काफी कलुषित है। गौमूत्र से जो पहली दवाई बनती है वो बनती है गौमूत्र अर्क। पहले औसत बनाते हैं गौमूत्र अर्क। एक लीटर गौमूत्र अर्क से लगभग 600 मिली एक लीटर गौमूत्र से लगभग 600 मिलीलीटर गौमूत्र अर्क बनता है 60%। एक गवशुद्ध खड़े होकर बता दो आप कि आप गौमूत्र अर्क क्या भाव बेचते हो महाराज? कोई एक खड़े होकर बता। 550 रुपये लीटर में अर्क है। तो एक लीटर अर्क बनाने में कितना? 1.5 लीटर गौमूत्र लगेगा। तो 1 लीटर गौमूत्र का क्या भाव है? क्या भाव? 400 रुपये लीटर। आपने केवल अर्क का जोड़ लो, आगे वाला गणित अगर बता दिया इनको तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। वो तो छोड़ दो, केवल अर्क वाली बात ही कर लो। तो 1 लीटर गौमूत्र से 400 रुपया आता है। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1000 गौ सिद्ध होंगे।
आप में से कोई है जिसके पास 500,000 लीटर स्टॉक पड़ा हुआ? 3 लोगों के पास है इसका, 4 लोगों के पास स्टॉक है। आपके स्टॉक कहाँ है? इसका मतलब है कि गोमूत्र का अच्छा बाजार है, अच्छा बाजार है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लाख पढ़ाई पढ़ लो, लाख बड़ा धंधा कर लो, गाय के दूध को 400 रुपए लीटर इस महाराष्ट्र की धरती पर नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो? गाय का दूध, गौरानी का दूध 400 रुपए लीटर बेच लोगे? नहीं बेच सकते ना। हमारे ग्रंथ तो गोमूत्र को 400 रुपए लीटर बेचे और उसमें से निकला हुआ 4% धन का गरीब बता दिया ना, तो आपकी राहत की नींद गई। इसलिए वो पूछना ही था। तो बाजार है, कट्टों की किराया है ना, तो अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते आप? अपनी आंखें खोलो। ये गौमूत्र गोबर ये कोई सरल वस्तु नहीं है, और केवल इसका भारत में बाजार नहीं है, अब पूरी दुनिया में इसका बाजार खड़ा हो गया है। और जितनी जागरूकता भारत में है ना, इससे ज्यादा जागरूकता यूरोप में है। यूरोप के बहुत सारे देशों से पिछले कई वर्षों से हमें ये बताई जा रही है कि आप हमारे यहां आकर के इस पाठ्यक्रम को शुरू करो। भारत देश की सरकार भले सोई हुई है, हमें नोटिस भी ठोक देती है समय समय पर, लेकिन भारत के बाहर की सरकारें इतनी जागरूक है कि वो अपना हेल्थ बजट को कट करने के लिए अब गाय को स्थापित करने में लगी हुई है, क्योंकि वहां चिंता है वहां की सरकारों कि हेल्थ पे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, हेल्थ बजट को कैसे कट करना, कैसे कट करना। और हमारी सरकार को लगता है हेल्थ बजट को कैसे बढ़ाना, क्योंकि हेल्थ बजट जब बढ़ता है तो नेता के पॉकेट में ज्यादा पैसा जाता है। और विदेशों में ऐसा नहीं, हेल्थ बजट जब बढ़ता है तो वहां की सरकारें गिर जाती हैं, और हमारे यहां जब हेल्थ बजट बढ़ता है तो वोट बैंक बढ़ जाता है। इसलिए यहां की सरकारें निष्क्रिय है और दूसरे देश की सरकारें इस पर सक्रिय है। एक एक देश का उदाहरण अगर आपको बताऊं मैं, आप दंग रह जाओगे। एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे, पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में खत्म हो गया। जैसे कुछ साल पहले श्रीलंका खत्म हुआ, उसी प्रकार से उरुग्वे पूरी तरह से खत्म हो गया। खाने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। तब उसने पूरे विश्व का सर्वे किया कि मैं अपने देश को कैसे खड़ा करूं। तो उसको जो नुक्शा मिला, वो नुक्शा मिला कि भारतीय गौवंश ही ऐसा है जो किसी राष्ट्र को फिर से खड़ा कर सकती है। तो उरुग्वे की सरकार ने अपने भारत देश से, हमारे यहाँ तेलंगाना की एक प्रजाति है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक प्रजाति है ओंगल, तो उसने उन लोगों ने ओंगल पर रिसर्च किया और ओंगल को लेकर के गए। और आज उरुग्वे में मनुष्य की जनसंख्या के लगभग बराबर ओंगल की जनसंख्या हो गई है, और एक एक ओंगल की सुरक्षा के लिए एक एक मिलिट्री वहां की सरकार ने प्रोवाइड किया है। इस गोवंश को किसने दिया? बात से हमारी सरकारों ने दिया। तो क्या हमारी सरकारों को पता नहीं? सब पता है, लेकिन बात वही है कि पॉकेट में पैसे कैसे आए। ये जो आज नेताओं के घर में पूरे कमरे के कमरे जो नोट निकल रहे हैं छापामारी में, ये कहां से आए होंगे पैसे? हर चीज का बजट बढ़ाओ, कमीशन खाओ, देश की किसी को परवाह नहीं। तो भाई मैं तो कहता हूं कि आप भी किसी की परवाह ना करो, लेकिन अपनी परवाह तो करो। और अपनी परवाह करने के लिए, अपने परिवार की परवाह करने के लिए, आपको गौवंश अपने परिवार में लाने के अलावा कोई रास्ता देखो नहीं बच पाए।
इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, मैं जीवन में जो कुछ भी कमा के पूंजी रखा है, इस पूंजी को गोवंश में लगा दो, किसी व्यवस्था में लगा दो, कल के खरबपति हो आप। आज भले ही आपका आकलन नहीं होगा, आपके उस विषय पर मर्यादा नहीं होगी, गौ पालन करोगे तो हो सकता है आज आपको ये समाज प्रतिष्ठा न दे, कृषि व्यवस्था करोगे समाज आज प्रतिष्ठा न दो, लेकिन कल के किंग मेकर हो। अब बहुत समय नहीं, कुछ साल और बचे हैं, जिसमें देखो पूरी दुनिया को ये समझ आ जानी है कि अगर जीवन बचाना है, ज्ञान बचाना है, व्यवस्था बचानी है, तो गाय और कृषि के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। देखो सबको पता है कि ये जहरीला खाना खाके हम मर रहे हैं, लेकिन आप पूछो किसी से कि आप जानते हो कि जहरीला खाना खा करके मर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा खाना खाते हैं? तो एक ही उत्तर मिलता है कि जी मिलता था। अब मेरे पास तो जवाब है उनका, मिलता कहाँ है? मिलता इसलिए नहीं है आपको क्योंकि आप खोजते नहीं हो, क्योंकि अभी बहुत चुनिंदे किसान हैं, कम किसान हैं जो गाय और कृषि पर काम करते हैं, इसलिए आपको खोजने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही खोज एक दिन खत्म होगी जब बहुत संख्या में हमारे किसान और गौपालक इस काम को करने लग जाएंगे और सरलता से सुलभता से ये प्राप्त होने लग जाएगी। तब आप देखना कि ये जो चमक जो है हाइब्रिड बीज का और इन चीज़ों की जो चमक है वो खत्म होने वाली है। अब उसकी उल्टी काउंटिंग देखो शुरू हो गई। कम से कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी आज इस विषय को लेकर के जागरूक हो गया है, और यही जागरूकता कारण है कि आज 400-500 रुपये लीटर गोमूत्र बिकता है। आज से 20 साल पहले जब इस काम को शुरू किया था हम लोगों ने, तो किसी को गोमूत्र पीने के लिए जब बोलते थे ना तो वो चिल्ला पड़ता था, और अगर डॉक्टर को बोल दिया तब तो वो कुर्सी छोड़ के खड़ा होता था। ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी 20 साल पहले। 20 साल में गौवंश और उनके गव्यों का इतना विकास हुआ कि कम से कम आज कोई चौंकता नहीं है। अब जितना भी इसका कसर था सारा कसर कोरोना ने पूरा कर दिया, पूरा कर। तो इस विषय पर अब ज्यादा कुछ और मैं समझता हूँ बोलने का काम नहीं है, आप सब समझते हो इस विषय को। एक पत्र आया है छाछ का महत्व बताए, हाँ छाछ का महत्व।